हे फ्रेंड्स, मैं उदिशा और फिर से आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिली इडली की रेसिपी, जिसे हम इडली मंचूरियन भी कह सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, हम बची हुई इडली में से इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन इससे पहले, अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस इडली को 4 पीसेस में कट कर लेंगे। पहले इस तरह से सारी इडली को कट कर लेंगे। पहले ये देखिए, इडली के सारे टुकड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेके इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करते वक्त ध्यान से आप अपने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इसे हमें ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करना है। जब ये फ्राई होने लगेंगे तो ये क्रिस्पी भी होने लगेंगे। ये देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज होने लगा है। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये क्रिस्पी भी दिखाई दे रहा है। इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा टिश्यू में। इस तरह से सारे टुकड़ों को फ्राई कर लेंगे। पहले फ्राई करते वक्त आप ध्यान से गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बाहर से जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे। निकाल लेंगे इसे। सबसे पहले एक पैन में यहाँ पे हमें 2 चम्मच जितने ऑयल को गर्म करने के लिए रखना है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे डालनी है ये बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को हमें 2 से 3 सेकंड के लिए हल्का सा फ्राई होने देना है। अब इसमें ये एक कटी हुई हरी मिर्च डाल दूंगी। इसके बाद डालेंगे हम यहाँ पे ये प्याज। प्याज को हमें हल्का सा पकने देना है। इसके लिए यहाँ पे मैं पैन को 2-3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। चेक कर लेते हैं इसे। ये प्याज हल्की सी पक चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम ये कटा हुआ कैप्सिकम। कैप्सिकम और प्याज दोनों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, इसलिए यहाँ पे मैं पैन को दोबारा कवर कर दूंगी। ये दोनों पक चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे हम ये 1 चम्मच टोमेटो केचप, 1 चम्मच सोया सॉस। मिक्स कर लेंगे पहले इसे। अब इसमें डालूंगी मैं ये 1 चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच जितनी चीनी डाली है। चीनी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है चीनी तो आप मत डालिए, लेकिन चीनी से फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी चीनी डाली है। अब इसमें ये 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये हमारे फ्राई की हुई इडली डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे, ताकि इसमें मसाले सारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे लास्ट में ये नमक डालूंगी। नमक हमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि सोया सॉस और टोमेटो केचप दोनों में ही नमक होता है। ये हमारी चिली इडली बिल्कुल रेडी है। अब हम गैस बंद करके इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे।